हिंदुओं पर हुए बांग्लादेश में हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। कुछ खुशकिस्मत थे जो समय रहते अपने घरों को छोड़ चुके थे। उनके घरों को कट्टरपंथियों ने जला दिया, लूट लिया, लेकिन उनकी जान तो बच गई। देखिए किस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है बांग्लादेश में इस रिपोर्ट में। पिछले हफ्ते बांग्लादेश में विद्रोह ने वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। शेख हसीना अपने परिवार के साथ भारत पहुंच गई, बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की थी वो अल्पसंख्यकों और खास तौर पर हिंदुओं के लिए काल बनती चली गई। बांग्लादेश का एक हिंदू परिवार इतना ज्यादा खौफ में आ गया कि अपना घर छोड़कर एक रिश्तेदार के घर पहुंच गया। ओरोबिंदा मोहल्दर ने जल्दबाजी में घर से सिर्फ अपने कपड़े और पासपोर्ट पैक किए थे, बाकी सब कुछ वही छोड़ दिया था। कुछ ही घंटों बाद उन्हें पता लगा कि दंगाइयों ने उनके घर को निशाना बनाया और आग लगा दी, और घर से टीवी, रेफ्रिजरेटर, दो एयर कंडीशनर के साथ साथ सब कुछ लूट लिया। तो संतुष्ट स्वाभाविक भावे लोक এত যাবৎ সঞ্চয় করার জিনিসপত্র বাড়ি যদি আগুন ধরায় কেউ পোড়ায় দেয়, সে বাড়ি তার যাওয়ার ইচ্ছে থাকে না। তারপরও পরিবেশগত দিক থেকে স্থানীয়ভাবে দীর্ঘদিন বসবাস করার জন্যে ইচ্ছে আছে, কিন্তু আমার যে সন্ত্রাসীদের ভয় এবং তারা যেভাবে লুটপাট করলো, যে অত্যাচার করলো, এতে তো স্বাভাবিকভাবে ভীত থাকতে হয়। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जब से इस्तीफा दिया और भारत भाग गई, तब से उनके समर्थकों और सहयोगियों को दंगाइयों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। देश के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो पारंपरिक रूप से अवामी लीग का समर्थन करते रहे हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक 5 अगस्त को हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद से अब तक 52 जिलों में हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कम से कम 200 हमले हो चुके हैं। दे आर शिवरिंग एवरी फैमिली एवरीव्हेयर, इवन इन ढाका हु आर इन द फ्लैट्स, दे आर शिवरिंग। They are closing their doors. They are not opening the door without confirming who is knocking.